subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 2. So question 2 kya hai? See. Write the difference between, आपको difference between निकालना है, small g and capital G. अब ये small g, capital G क्या होता है? Small g क्या होता है? Gravitation यहाँ पर, and capital G क्या होता है? Gravitational constant. Small g तो acceleration due to gravity होती है. And उसके बाद हमें क्या करना है? Drive a relation between the small g and the capital. तो first of all, मैं आपको कुछ यहाँ पे difference बता देता हूँ. तो क्या difference होते हैं? तो small g जैसे आप जानते हैं, acceleration due to gravity. And capital G क्या होता है? Gravitation constant. तो first यहाँ पे क्या है? It is the acceleration of an object due to the gravitational pull on it. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल पुल से हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, और वो ग्रेविटेशनल पुल कौन प्रोवाइड करेगी? कोई भी हेवनली बॉडी. मून पर है तो मून, अर्थ पर है तो अर्थ, सन पर है तो सन, एंड किसी और प्लैनेट पर है जैसे जुपिटर, मार्स, तो वो प्लैनेट प्रोवाइड करेगी. और कैपिटल जी यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल जी इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस कैप यूनिट डिस्टेंस अपार्ट. जो हमने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से हमने ड्राइव किया था, F is equal to G is equal to M1 M2 upon में R square, ये हमने देखा था. अब दूसरा वाला यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? Its value varies from one heavenly body to another. हमने देखा था कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल G की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, जबकि अब मून पर जाते हैं तो 1.67 जो कि 1/6 हो जाती है वहां. जबकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ये ग्रेविटेशनल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स में, आप कहीं भी जाएं. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻¹¹. दिस इज 11. मैं इसे करेक्ट कर देता हूं स्टूडेंट, दिस इज 11. ये मैं 6.67 × 10⁻¹¹. तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. अब इनके बीच में अगर हमें रिलेशन ड्राइव करना है, तो रिलेशन ड्राइव करने के लिए देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं कुछ पहले कन्वेंशन ले लेता हूं. एम ले लेता हूं मास ऑफ द अर्थ. अगर आप अर्थ पर निकाल लें, मैं अर्थ का एग्जांपल ले रहा हूं, एंड एम इज द स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. तो कैपिटल एम हो गया मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या हो गया? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ. क्यों? क्योंकि यहां पर जो है स्टूडेंट, मैंने यहां पर क्या लिया है, ये हमारी अर्थ हो गई, एंड यहां पर जो है मैंने मास एम रखा. कैपिटल एम जो है मास अर्थ का है, एंड रेडियस जो है ये आपका हो जाएगा. तो रेडियस क्या बताएगा? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट. देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम एम, कैपिटल एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर. इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1. ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूले से आया. और ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जी क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी. एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी. ये किस पे लगेगी? इस मास एम पे. इसे इक्वेशन 2 ले लेता. अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप देखें, दोनों फोर्स है, तो एक क्या हो जाएगी? जी इंटू एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी. जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है. ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पर निकाल. अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो g की वैल्यू मिलेगी, g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये एक जनरल हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया. किसके बीच में? स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बीच. तो अगर कोई भी बॉडी आपको हेवनली बॉडी, उसका मास दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड ग्रेविटी ड्यू टू दैट हेवनली बॉडी के बीच में आप ये रिलेशन बता सकते हैं. तो अगर यही चीज आप मून पे निकालने हो, तो मून की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? जी एम इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अपॉन मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. ये आपका है.